अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा हरियाणा के उम्मीदवारों के लिए पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। देर रात यह लिस्ट जारी की गई है, जिसमें पूर्व प्रदेश से 84 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है, जिसके चलते सबसे हॉट सीट माने जाने वाली करनाल विधानसभा सीट, जिसमें मौजूदा विधायक हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनके मुकाबले में कांग्रेस पार्टी द्वारा वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पूर्व चेयरमैन सरदार त्रिलोचन सिंह को टिकट देकर खड़ा किया गया है। सरदार त्रिलोचन सिंह ने टिकट मिलने के उपरांत कांग्रेस हाईकमान का आभार व्यक्त किया है और साथ ही प्रदेश कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा, करनाल के पूर्व विधायक सुमिता सिंह का भी धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जो करनाल से विधायक भी हैं, उन्होंने पिछले 5 वर्षों में करनाल के लिए कोई भी विकास का कार्य नहीं किया है, जिसके कारण करनाल में भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली है और कांग्रेस पार्टी विभिन्न मुद्दों को लेकर करनाल में चुनाव में उतरेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में GST चालान काटना एवं औद्योगिक घराने दूसरे प्रदेशों में शिफ्ट होना, व्यापारियों के हालात दिन पे दिन बदतर होना, महिलाओं एवं बेटियों की हालात दयनीय होना, प्रतिदिन महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए मौजूदा BJP सरकार नाकाम साबित हो रही है। इसके अलावा उन्होंने अन्य मुद्दों पर भी करनाल में मुख्यमंत्री को आमने सामने डिबेट में बहस करने की चुनौती भी दी है। उन्होंने करनाल के कांग्रेसियों से आह्वान किया है कि 4 अक्टूबर को महात्मा गांधी चौक पर इकट्ठे होकर नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचकर नामांकन पत्र के अवसर पर निकाले जाने वाले मार्च में भाग लें। हमारे साथ हैं अखिल भारतीय कांग्रेस द्वारा करनाल से मुख्यमंत्री के मुकाबले में चुनाव मैदान में उतारे गए सरदार त्रिलोचन सिंह। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, पूर्व में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के चेयरमैन रह चुके हैं, बड़ा अनुभव है। हम उनसे बातचीत करेंगे। जी, मुख्यमंत्री के मुकाबले में आप क्या अपने आप को कहाँ रखते हैं? नमस्कार, मेरे को कांग्रेस कमेटी पार्टी ने करनाल से विधानसभा क्षेत्र से आशीर्वाद दिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, श्री कुलदीप शर्मा जी व बहन सुमिता सिंह के सहयोग से मेरे को टिकट मिली है और मैं करनाल की 36 बरादरी के प्यार, आशीर्वाद और सहयोग से मुख्यमंत्री के मुकाबले में आया हूं। मुख्यमंत्री जो करनाल से MLA तो हैं, लेकिन MLA का फ़र्ज उन्होंने कभी अदा नहीं किया। 5 साल के अंदर बड़ी मुश्किल से 20 या 30 बार वो करनाल के लोगों से रूबरू हुए होंगे, वो भी अपनी इच्छा अनुसार, लोगों की इच्छा अनुसार नहीं। और मैं कल अपना नामांकन पत्र भरूंगा सुबह 10 बजे, जो श्री महात्मा गांधी जी का स्टैचू है उसके पास ही कार्यालय खोला गया है, वहाँ सुबह 10 बजे कार्यालय से चलकर हम वहाँ पहुँचेंगे सेक्रेटेरिएट, और वहाँ जाके मैं नामांकन पत्र भरूँगा। मैं उन सभी साथियों को हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ जो पिछले करीब मेरे बचपन से 65 साल से मेरे दुख और सुख में मेरे साथ खड़े हैं, और मैंने पार्टी के लिए बड़ा संघर्ष किया और आज मुझको उसका इनाम मिला कि कांग्रेस के जो भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं श्री मनोहर लाल जी खट्टर, जो मुख्यमंत्री हैं, उनके मुकाबले में उतारा गया है। लोगों में एक सोच है ये क्या मुकाबला है, लेकिन कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूत है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, पंडित चिरंजीवी लाल जी के पुत्र कुलदीप शर्मा जी व सुमिता सिंह का आशीर्वाद मेरे साथ है, 36 बरादरी के लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं मनोहर लाल खट्टर जी को कड़ी टक्कर दूंगा। वो जो झूठी बातें करनाल के लोगों को गुमराह करने में, हरियाणा के लोगों में गुमराह करने में लगे हुए हैं, उनका पर्दाफाश करूँगा। आज हरियाणा के अंदर किसान, मजदूर, कर्मचारी, दुकानदार, नौजवान सब तरह से तंग है, हाहाकार मची हुई है, महंगाई बढ़ी हुई है और कोई भी उनके पास ऐसा स्रोत नहीं है कि लोगों को राहत दे सकें। इन सब मुद्दों पर मैं चुनाव लड़ूंगा और मनोहर लाल खट्टर जी को कड़ी टक्कर दूंगा। और मैं सबसे दोबारा निवेदन करता हूँ, मेरे को पूरा समर्थन दे, पूरा सहयोग दे और धन्यवाद। जय हिंद। कांग्रेस की तरफ से नामांकन अवसर पर बड़े नेता आएंगे? देखिए, अभी तक किसी से बात नहीं हो पाई, कोई टिकट रात को 12:30 बजे अनाउंस हुई है, सब अपने अपने क्षेत्र में भरने गए हैं।
अभी दोपहर बाद जैसे मैसेज आएगा हम आपको सूचित कर देंगे। कुछ मुद्दे आपके कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के खिलाफ? मुद्दे मैंने अभी बता दिया, ये किसान विरोधी, व्यापारी विरोधी, कर्मचारी विरोधी, बेरोजगारों की तरफ ध्यान ना देने वाली और हाहाकार मचने वाली, चलान के माध्यम से छोटे छोटे बच्चों को उत्पीड़ित करने वाली ये सरकार है। इसके विरोध में हर दुकानदार है, GST, नोटबंदी, मंदी, महंगाई, किसानों पर मार, ये कितने मुद्दे हैं। आज अनाज मंडी के अंदर हाहाकार मची हुई है, फसलों का भाव नहीं पता, क्या करना है क्या किसी को नहीं पता, प्रशासन में किसकी चलती है किसी को नहीं पता, मुख्यमंत्री का गुस्सेल रवैया करनाल के लोगों को पसंद नहीं आ रहा, वो नहीं चाहते भी ऐसा गुस्सेल आदमी मुख्यमंत्री होना चाहिए, जो पिछले दिनों में उनका चेहरा पब्लिक के सामने उजागर हुआ है। मैं दूसरा आपके माध्यम से कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री महोदय को, अगर वो वाकई विकास के मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे हैं, विकास के मुद्दे पर चुनाव करना चाहते हैं, कृपया एक बार किसी प्रेस के स्टेज पर मेरे से आमने सामने आए, मेरे से बहस करें, मैं बहस करने के लिए तैयार हूँ और सामने आके बताऊँगा भी आप कहाँ खड़े हैं। लोग तो बताएंगे पर इनको पिछाड़ कर, लेकिन मैं भी बताना चाहता हूँ मुख्यमंत्री महोदय, आपने करनाल के लोगों को क्या सब्ज बाग दिखाए थे और आज कहाँ खड़े हैं, वो मैं प्रेस के माध्यम से उनके सामने आमने आके बहस में करना चाहता हूँ। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज, राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।